चलिए अपन यहाँ से फोटोशॉप ओपन करते हैं। आज अपन करेंगे हेयर कलर, बालों को कलर करना या कलर चेंज करना, ठीक है वाला। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप इमेज ले लेंगे, जो भी आपको इमेज लेनी है। हमने डबल क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास इमेजेस हैं, तो आपको जो भी इमेज लेनी हो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और ठीक ठीक है, आपकी इच्छा। अपन यहाँ पे गूगल क्रोम से ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या सर्च करें? जी नहीं, हम तो ले लेंगे कोई से। ठीक है, अब आपको यहाँ से जिस भी टाइप के हेयर सेलेक्ट करना है आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज करेंगे आप, और अपन चलते हैं फोटोशॉप पर। कंट्रोल एन से न्यू पेज लेंगे। आप पहले कॉपी कर लेते हैं इमेज को, फिर आप दोबारा पेज लेते हैं, तो आप देखिए कस्टम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है आपका। आपको कस्टम पेज लेना है, ओके करेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, ठीक है, आ जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एफ बी किया आपने, क्यू बी करेंगे फिर आप। एफ भी क्यू भी करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका साइज बड़ा आ रहा है तो आप छोटा कर लेंगे सर्कल का, और हेयर सेलेक्ट करेंगे अब आप, ठीक है। जितने एरिया में इसकी हेयर है उतने एरिया वहां पर स्टाइल इसको सेलेक्ट कर लेंगे। रेड कलर में आएगा आपका, और जितना सफाई से करेंगे उतने अच्छे आपको सफाई से हेयर कलर होंगे। थोड़ा टाइम लगेगा अपन उसको सेलेक्ट करने में, तो पर कर लेते हैं। छोटा साइज बड़ा साइज करना उसके अकॉर्डिंग करना है, ऐसा नहीं कि बड़ा साइज है आपका उसका सर्कल का और आप हेयर सेलेक्ट करने लगे हैं, ठीक है। इसके बाद अपन इसका थोड़ा बड़ा साइज कर लेते हैं और ऊपर की ओर कर लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है, अगर कहीं ज्यादा हो भी जाता है ना, कलर आउट ऑफ चला जाता है या फिर फेस वगैरह पे आ जाता है, तो इरेजर टूल आप सभी ने पढ़ लिया है। इरेजर टूल से आप उसे मिटा सकते हैं, तो हटा सकते हैं, आप इरेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है, हमने कंट्रोल जेड कर दिया। अब वो नीचे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, बाल है या क्या है? इतना ही रहने दें क्या? पूरे करने हैं? अरे आजकल की हेयर स्टाइल आप देख नहीं रहे? आधे वो अजीब करते हैं और आधे अजीब करते हैं, कलर ही चेंज कर देते हैं उनमें। चलिए ठीक है, अगर आपको पूरा करना है तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई बात नहीं, अपन इरेजर टूल से इरेज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा उसके बाल हैं या क्या है, इसलिए। ठीक है, अब जहाँ एक्स्ट्रा है आपका, एक्स्ट्रा यहाँ पर भी है, तो आपने ये इरेजर टूल किया हुआ, इरेजर टूल सेलेक्ट करेंगे, इसका साइज आप छोटा कर लेंगे।
ये रेज नहीं हो रहा है इसको। नहीं ठीक है, हुआ इरेज, थोड़ा सा और रह गया है यहाँ पर। इसके बाद और कहाँ है एक्स्ट्रा, तो आप वहां भी कर देंगे। इतना किया हमने, ठीक लग रहा है। एफ भी किया पहले, क्यू भी किया, फिर आप एयर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद करेंगे आप शिफ्ट कंट्रोल आई, फिर करेंगे कंट्रोल यू। अरे पहले सेलेक्ट करने दीजिए, ये तो शिफ्ट कंट्रोल आई करेंगे, फिर आप कंट्रोल यू करेंगे। इससे सेलेक्ट होता है जो कि आपका सेलेक्ट नहीं हो रहा है। फिर अपन करते हैं यहाँ पे, सॉरी क्यू किया नहीं किया, क्यू करेंगे आप। क्यू करने के बाद शिफ्ट कंट्रोल आई करेंगे आप। क्यू करने से ओनली क्यू करना है, सबसे पहले आप एफ भी करेंगे फिर क्यू भी करेंगे, ठीक है। एफ भी करेंगे तो वो फुल विंडो पे आ जाएगी आपकी पिक्चर स्टार्ट से। क्यू भी करेंगे तो उसको हेयर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देगा आपको, रेड कलर में अपन ने किए थे, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको ओनली क्यू करना है, क्यू से ये पूरी इमेज सेलेक्ट होगी। फिर आपको शिफ्ट कंट्रोल आई करना है, तो जो हेयर हेयर आपने सेलेक्ट किए हुए थे ना वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ तक पहुंचे अपन, शिफ्ट कंट्रोल आई तक। फिर आपको करना है कंट्रोल यू, ठीक है। जैसे ही आप कंट्रोल यू करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको किस टाइप से एडिटिंग करनी है, जैसे कि यहाँ पे एडिट आ रहा है, मास्टर लिखा हुआ आ रहा है, किस टाइप से लेना है आपको, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये कितना रखना है आपको, ठीक है। चेंज हुए, अरे ठीक है। अब आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद कंट्रोल डी से इसको डीसेलेक्ट कर देंगे। अरे वो सेलेक्ट नहीं हुआ ना, इसको यह सेलेक्ट करके चलिए। अब आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आप ये तीन ऑप्शन देख रहे हैं अभी आप यहाँ पे, ये क्या है फुल स्क्रीन। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे फर्स्ट वाले पे यहाँ पे, तो आपकी पिक्चर इस टाइप से आ जाएगी। आपको यहाँ से क्लोज करना है तो क्लोज कर सकती है, इससे आप क्लिक करेंगे ये फुल पे आ जाएगी फिर से, और यहाँ से आप मिनिमाइज करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी आपकी, और इसे हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है आ जाएगा। चलिए इसके बाद अपन बनाते हैं यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि आपने एमएस वर्ड में भी सीखे हुए थे इसमें। लेकिन एमएस वर्ड में क्या होता है, आप बैकग्राउंड तो रिमूव कर देते हैं, लेकिन फिर उसमें बैकग्राउंड कैसे डालेंगे। अब इसमें आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे इमेज ले लेते हैं, कौन सी इमेज है, ये ले लेते हैं। क्यों ठीक है ना, तो अपन बैकग्राउंड चेंज कर देंगे उसका। ये चलिए इस पर राइट क्लिक करते हैं आप, कॉपी इमेज करते हैं और फोटोशॉप पे चलते हैं। कंट्रोल एन से आप न्यू पेज ले लेंगे और ओके करेंगे। अब आप कंट्रोल बी से पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसका आप बैकग्राउंड देख रहे हैं किस टाइप से आ रहा है, तो इसको चेंज करना क्या रहेगा आपका एक साथ में। आप यहाँ से इस टूल से सेलेक्ट कर लेते थे आप, देखिए इसमें क्या हो रहा है, सेम कलर को उसने ले लिया है। फिर आप यहाँ पे करेंगे तो उसने सेम कलर को ले लिया, एक साथ पूरा नहीं ले रहा है, तो फिर क्या करें।